डियर स्टूडेंट, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं इफ स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ एक और प्रोग्राम, जिसमें हम आपके इफ स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। आज हम दो नंबर लेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें दो नंबर इनपुट कराएंगे और इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर हम चेक करेंगे कि उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है या दोनों इक्वल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इफ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले मैंने C++ ओपन कर लिया, C टर्बोसी ओपन कर लिया और इसमें एक न्यू फाइल ले ली मैंने। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं अपनी हेडर फाइल, लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और फिर हम इसमें कंसोल हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट की conio.h। कमेंट कर देते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम फॉर इफ स्टेटमेंट सेकंड प्रोग्राम। ओके, अब हम वाइड मेन करते हैं, वाइड मेन तो मेन प्रोग्राम के कोडिंग यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये मैंने क्लियर स्क्रीन करने के लिए लगा दिया है फंक्शन क्लियर स्क्रीन CLR SAR। अब हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है, हमें प्रोग्राम में करना क्या है, हमें प्रोग्राम में करना है कि दो नंबर के बीच में हमें रिलेशन पता करना है कि वो नंबर छोटे हैं, बड़े हैं, बराबर हैं, है ना। तो सिर्फ हमें दो वेरिएबल लेने हैं इंटीजर टाइप के, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेने के लिए हमने यहाँ टाइप किया int x एंड y, केवल दो वेरिएबल लेते हैं और इन दो वेरिएबल का डेटा हम यूजर से इनपुट करा लेते हैं कि इन दो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो वैल्यू इनपुट कराने के लिए हमने दे दिया printf और एक मैसेज टाइप कर दिया यूजर के लिए, एंटर द वैल्यू ऑफ x स्लैश n दे दिया न्यू लाइन के लिए और गेट सी एच स्लैश एन एक स्केप सीक्वेंस है जो डेटा को नई लाइन से एंटर कराएगा। न्यू लाइन के लिए हमने \n\n यूज कर लिया। अब हमने प्रिंट एफ दिया है, इसके बाद में हम स्कैन एफ ले लेंगे, एक्स की वैल्यू यूजर एंटर करेगा तो वैल्यू कहाँ जाएगी ये डिफाइन करेगा आपका स्कैन एफ स्टेटमेंट। स्कैन एफ स्टेटमेंट में हमने फॉर्मेट को स्पेसिफाई किया इंटीजर के फॉर्मेट को, वैल्यू हमारा जो एक्स में हमारी वैल्यू जाएगी वो किस फॉर्मेट में जाएगी, क्योंकि हमारा वेरिएबल इंटीजर का है इसलिए हमें इंटीजर वैल्यू उसमें ले जानी है। तो इंटीजर के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कभी कभी इसको कन्वर्जन कैरेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी हम लिखेंगे वेरिएबल कुछ भी हो ये डेटा उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा जिस फॉर्मेट का आपने यहाँ पर कन्वर्जन कैरेक्टर लिया होगा। कॉमा करेंगे और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ में वेरिएबल नेम लिखेंगे x, इस तरह से आपकी वैल्यू x में इनपुट हो जाएगी। फिर सेकंड वेरिएबल के लिए हम फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे printf enter the value of y value of y and \n semicolon and hit enter key, semicolon देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। फिर से हम स्कैन करेंगे वाई के लिए वैल्यू स्कैन एफ और फिर वही फॉर्मेट स्पेसिफायर %d कॉमा एड्रेस ऑफ वाई और सेमी कॉमा। अब हमारे पास में डेटा आ गया है ना, एक्स की वैल्यू भी आ गई है, वाई की वैल्यू भी आ गई है। अब यहीं से मेरे मेन प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट यानी इफ स्टेटमेंट को समझने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो इफ स्टेटमेंट केवल ट्रू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है, तो हमें कंडीशन में वही देना है जो आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। तो हमें पहले ये चेक करना है क्या एक्स वाई से बड़ा है, तो हमें लिखा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, है ना, इज ग्रेटर देन, ये जो है सिंबल है, कैसा सिंबल है, कैसा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर
जो किन्हीं दो वैल्यू के बीच में रिलेशन को फाइंड करेगा। रिलेशनल ऑपरेटर आपके होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, और एक और होता है नॉट इक्वल टू। तो अभी हमें इसमें ग्रेटर देन का काम है कि हमें ये पता करना है कि क्या एक्स वाई से बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ पर्सन डी इज ग्रेटर देन परसेंट वाई, सॉरी परसेंट डी। अब हमें इस परसेंट डी की जगह पे एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है और इस परसेंट डी की जगह पे वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। ये मैंने दो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए हैं। अब वेरिएबल का जो सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा डिस्प्ले होगा। हमें यहाँ पर एक्स लिखना, एक्स की डिस्प्ले करानी है तो हमें यहाँ एक्स लिखना होगा कॉमा, अब यहाँ पर वाई की डिस्प्ले करानी है तो वाई लिखना पड़ेगा। अगर हम वाई पहले लिख देंगे तो यहाँ पर वाई की वैल्यू पहले आएगी पहले वाले परसेंट डी के पास में, और अगर एक्स पहले लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी। यानी मतलब कि जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पर वेरिएबल लिखेंगे उसी सीक्वेंस में डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर देंगे। इफ स्टेटमेंट में कर्ली ब्रेसेस लगता है लेकिन अगर इससे ड्राइव होने वाली एक सिंगल स्टेटमेंट ही है तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं होती। अगर आप लगा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, तो हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं, नहीं यूज करते हैं। अब सेकेंड कंडीशन हमारी क्या कहती है, क्या वाई एक्स से बड़ा है। इफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स, अगर ऐसा होता है तो प्रिंट हो जाए प्रिंट एफ पर्सन डी इज ग्रेटर देन पर्सन डी। अभी हमें वही वापस से रिवर्स कर लेना है, एक्स कामा वाई मैंने ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ वाई कामा एक्स कर लेना है, वाई कामा एक्स कर लेना है और सेमीकोलन। अब हमें एक और कंडीशन चेक करनी है, क्या एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर देंगे इफ। इफ स्टेटमेंट में फॉल्स के लिए स्टेटमेंट नहीं होती है, यहाँ केवल ट्रू के लिए स्टेटमेंट होती है। फॉल्स के लिए अगर हमें चेक करना है तो हमें इफ की दूसरी कंडीशन यूज करनी पड़ेंगी जो हम आगे के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। वहां पर होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ में आपका ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ट्रू की कंडीशन में, और एल्स में फॉल्स की कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा। यानी इफ की बॉडी जो है वो कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगी और एल्स की बॉडी जो है वो कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर केवल ट्रू कंडीशन के लिए ही बॉडी है और फॉल्स के लिए कोई बॉडी नहीं है। मतलब यहाँ अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ट्रू नहीं है तो इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ फॉल्स के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, है ना। तो यहाँ पर इफ वाई इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू वाई, आप कैसे भी लिख सकते हो इसको, एक्स इक्वल टू वाई, मतलब ये रिलेशनल ऑपरेटर ये चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू वाई से बराबर है या नहीं। अगर है तो लिख देंगे प्रिंट एफ पर्सन डी एंड पर्सन डी आर इक्वल, बस आपका यहां पर वेरिएबल दे देना है एक्स कॉमा वाई, आपका प्रोग्राम कंप्लीट। अब हम यहां टर्मिनेट कर देंगे, गेट सी एच यूज कर लेंगे ताकि आपके प्रोग्राम का रिजल्ट स्क्रीन पर होल्ड रहे, और यहां पर हम कर्ली ब्रेसेस से प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको इफ स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है ये समझ में आया होगा। अब इसको एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं। एग्जीक्यूट कराने के लिए, कंपाइल कराने के लिए हम ऑल्ट F9 यूज करेंगे, ऑल्ट को प्रेस किए रहेंगे और F9 को प्रेस करेंगे। F9 को प्रेस करते ही आपके सामने ये विंडो कंपाइलिंग की आ जाएगी। कंपाइलिंग में आपको 00 एरर शो कर रही है, इट मीन्स आपका प्रोग्राम जो है एरर फ्री है, कोई भी वार्निंग नहीं है और कोई भी एरर्स नहीं है। एंटर करेंगे तो ये विंडो से आप बाहर आ जाएंगे। अब हमें बारी आती है प्रोग्राम को रन कराने की। रन कराने के लिए हम कंट्रोल और F9 बटन का यूज करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करेंगे
और F9, आपका प्रोग्राम रन हो गया। अब रन होते ही देखिए, जो मैंने पहली स्टेटमेंट लिखी थी प्रिंटफ में कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, अभी मैंने 34 एंटर किया और एंटर की को हिट किया, यानी मतलब कि एक्स में हमारी 34 वैल्यू एंटर हो गई। अब पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, वाई मैंने हमने 44 एंटर किया, ठीक। अभी जो भी रिजल्ट हमारा इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्राइव होगा वो रिजल्ट हमारे सामने एंटर की को प्रेस करने के बाद में तुरंत आ जाएगा। मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और ये देखिए रिजल्ट आ गया। कौन बड़ा है? 44 बड़ा था तो लिखा गया 44 इज ग्रेटर देन 34। ओके, अभी हम एक्स की वैल्यू बड़ी इनपुट करते हैं, 33 एंटर किया, और वाई की वैल्यू 22 एंटर किया, मतलब वाई की वैल्यू छोटी हो गई और एक्स की वैल्यू बड़ी हो गई। तो अभी इसके अकॉर्डिंग इस लिखा आएगा, देखो 33 इज ग्रेटर देन 22। अभी हम इक्वल एंटर करते हैं, 22 एंड 22 दोनों वैल्यू बराबर हैं तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देखो 22 एंड 22 आर इक्वल, है ना। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इफ स्टेटमेंट का। यहाँ पर हम कितनी भी स्टेट कंडीशंस दे सकते हैं इसके इस तरह से, है ना। इफ कंडीशन बस यही है कि ट्रू की कंडीशन में ही इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स की कंडीशन में इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पर हमने तीन कंडीशन दी और यहाँ पर क्योंकि तीन ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो एक्स वाई से बड़ा होगा, या तो एक्स वाई से छोटा होगा, या तो एक्स वाई के बराबर होगा, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर कंडीशन नहीं बनती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर तीन कंडीशन दे दी और इफ से इसको एक्सिक्यूट करा दिया। इसी प्रोग्राम को हम जब आगे प्रोग्राम बनाएंगे इफ एल्स का, तो इसी टाइप के प्रोग्राम को इफ एल्स में भी समझेंगे, वहां पर आपको बार बार इफ कंडीशन देने की नीड नहीं होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। प्रोग्राम को समझने के लिए आप इस वीडियो को देखें और घर पर इसके इसका प्रैक्टिकल जरूर करें। अगर आपके पास में पीसी है तो पीसी पे टर्बोसी डाउनलोड कर लें, अदरवाइज आप मोबाइल पे भी टर्बोसी के बहुत सारे कंपाइलर हैं उनको डाउनलोड करके कर सकते हैं, हालांकि मोबाइल पे इतना इजी नहीं है। आज के लिए इतना ही, इसी पे प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो में आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया जाएगा।